नमस्कार मैम, आपका नाम? सरबजीत इंसान जी। मैम, आज डेरा सच्चा सौदा में आप आए हैं, क्या खास डेरा सच्चा सौदा में आज? पिताजी की दया रहमत से हम डेली में डेली कोई ना कोई सेवा करते हैं, और जब तक हम सेवा ना करें तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ खाया पिया ना हो। हमारे घर वाले भी अटूट विश्वास शुरू तो बना हुआ है, हम बचपन से ही डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर रहे हैं, और दिन और रात एक करके हम दरबार से सेवा पे प्रतिदिन करते रहते हैं, कोई ना कोई हम कार्य करें ताकि गुरुजी हम पर विश्वास बना रहे पिताजी पर जी। पिताजी तो असल 142 मानवता भलाई के कार्य जो अभी लाइव प्रोग्राम चल रहे थे वहाँ पे बोले थे, और उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मानवता भलाई की सेवा करनी है। हमारा ये लक्ष्य होता है कि हम कुछ ना कुछ नया करें ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हाँ अपने जड़े डेरे सच्चा सौदा के सत्संगी ने कुछ अलग तो कर रहे हैं, और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि दुनिया को अच्छी राह पर लेकर जाना। पिताजी के दया रहमत से उन्हीं के इशारों पर हम चलते हैं, जो हमें संदेश देते हैं हम वही कार्य करते हैं। हमारी साथ संगत को इतना सीखा कि पूरे 5 साल उनको देखे बिना रह नहीं सकते थे, मगर इतना संघर्ष किया हमने कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा जब अचानक हमारे बीच आ गए और हमें लाइव दर्शन किए। काफ़ी संगत ने मतलब कोशिश करी अपने अपने वालों भी, असी ज़्यादा तो ज़्यादा संगत न लेकर आइए, तो जोड़े प्रेमी उन्होंने अपने दरबार के लेके आए तो उन्होंने नाम दिलाया गया। बहुत ही ज़्यादा संगत जुड़ी डेरा सच्चा सौदा के साथ जी। और महिलाओं को लेकर क्या माहौल डेरा सच्चा सौदा में? जैसे कि अब बोला जाता है कि डेरा सच्चा सौदा में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, या सब आप एक महिला है तो आप डेरा सच्चा सौदा कितना सुरक्षित आप खुद को डेरा सच्चा सौदा में पाती हैं? डेरा सच्चा सौदा में ऐसा कुछ नहीं होता, जहाँ पर बहनों को बहन के ही रूप में देखा जाता है, जो बच्चे हैं उनको बच्चों के रूप में देखा जाता है, और बड़े हैं तो माता पिता के समान माना जाता है। जो दुनिया की अपनी ही सोच है, लेकिन जो जहाँ पर आता है उसी को पता चलता है कि जहाँ का माहौल किस तरह का होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई इस पर कोई किसी भी तरह ब्लेम कर सके जी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। Subscribe to our channel and press the bell icon.